हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को अपनी यूट्यूब चैनल अर्चना ऑनलाइन क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे कि बिहार में बन चुका है बापू परीक्षा परिसर केंद्र। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में, आखिर इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इसकी विशेषता, पहले तो हम लोग जानते हैं कि यह बिहार में कहाँ बना है। तो यह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यह देश के सर्वाधिक क्षमता वाले अत्याधुनिक परीक्षा परिसर है। ये सबसे ज़्यादा क्षमता वाला फ्रेंड्स केंद्र बना है, जहाँ बहुत से बच्चे एक साथ बैठकर परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, बापू परीक्षा परिसर की बुकिंग हेतु सूचना। जो भी सरकारी अथवा प्राइवेट संस्था बापू परीक्षा परिसर में किसी भी प्रकार की परीक्षा एग्जामिनेशन का आयोजन करना चाहते हैं, वे इस हेतु प्रबंधन बापू परीक्षा परिसर के मोबाइल नंबर इतना अथवा बापू परीक्षा परिसर के हेल्पलाइन नंबर इतना में संपर्क कर सकते हैं, अथवा ईमेल आईडी इस पे अनुरोध भेज सकते हैं। ठीक है, ये एक माना जाए तो इसके लिए आपको बुकिंग करना होगा। एक तरह से माने प्राइवेट संस्था की तरह हो गया, कि अगर सरकारी जैसे बीएससीबी को भी इसमें अगर एग्ज़ाम दिवाना होगा किसी भी चीज़ का, तो इसके लिए उसको बुकिंग करना पड़ेगा पहले से। ठीक है, और प्राइवेट संस्थान भी हो गया, उसको भी अगर किसी भी तरह के परीक्षा कंडक्ट करवाना है जिसमें उसे अच्छी खासी स्पेस की ज़रूरत है, तो वो बापू परीक्षा परिसर केंद्र में बुकिंग करा सकते हैं। वो इसके बापू परीक्षा परिसर केंद्र के द्वारा नंबर प्रोवाइड की गई है तथा ईमेल आईडी भी दिया गया है, या इस ईमेल पे तथा इस नंबर पे फ़ोन करके आप बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, और आगे जानते हैं। कहा जा रहा है फ्रेंड कि बापू परीक्षा परिसर की विशेषताएं, यहाँ क्या क्या विशेषताएं हैं। तो 44 बड़े अत्याधुनिक परीक्षा हॉल, 44 हॉल है फ्रेंड्स इस बापू परीक्षा परिसर केंद्र में। सीसीटीवी और सेंट्रल कंट्रोल रूम के माध्यम से सभी परीक्षार्थियों की सतत निगरानी। इसमें बहुत सारे सीसीटीवी लगाए गए हैं फ्रेंड, जिससे कि सारे परीक्षार्थियों की निगरानी अच्छे से की जा सकती है। ठीक है, समिति द्वारा केंद्राधीक्षक एवं सहायक केंद्राधीक्षक, वीक्षक एवं सहायक और पदचर की व्यवस्था, सब कुछ का व्यवस्था किया गया। एग्जाम के लिए टीचर उचर सबका व्यवस्था किया गया। ठीक है, बोला जाए कि सुरक्षा कर्मियों की भी व्यवस्था की गई है। स्कॉल्टर एवं लिफ्ट की व्यवस्था, अर्थात लिफ्ट की भी व्यवस्था यहाँ पे की गई है फ्रेंड्स, कि किसी भी मान लीजिए कि स्टूडेंट को सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते हैं तो वो लिफ्ट के थ्रू ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, फ्रिक्शिंग हेतु HHMD, DFMD एवं बैग स्कैनर की आधुनिक सुविधाएं, सभी तरह की स्कैनर की व्यवस्था की गई फ्रेंड, क्योंकि किसी को बैग भी ले जाना तो उसका भी स्कैनर, चीट्यूट, बहुत तरह के बहुत अच्छा परिसर केंद्र परीक्षा हेतु अनिवार्य रूप से देखते हुए बनाया गया है। ठीक है, और जानते हैं इसकी विशेषता। CCTV और सेंट्रल कंट्रोल रूम के माध्यम से हर परीक्षार्थी को ऑनलाइन निगरानी। इस इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं कि सारे में बेंच आपको दिख रहे हैं भरे हुए, इस सब के माध्यम से निगरानी किए जाएंगे तथा परीक्षा के लिए ब्लॉक ए और ब्लॉक बी में कुल 16 स्कॉल्टर की सुविधाएँ। ये देखिए लिफ्ट की तो सुविधा ही है फ्रेंड्स, साथ ही यहाँ पे सीढ़ी की जगह पर ये जो लिफ्ट वाला सीढ़ी नहीं होता है फ्रेंड्स, उसकी 16 इधर जाने के लिए, उतरने के लिए 16 और 16 आने के लिए, सभी फ्लैट पे दो दो चार चार जरूर हैं। ठीक है, इसमें दिखाया जा रहा है फ्रेंड की बैगेज स्कैनर के लिए इस मशीन को लाया गया है, और फिक्सिंग हेतु कैन कॉपी के लिए इसको, चेकिंग हेतु इलेक्ट्रॉनिक डोर फ्रेम मेटल डायरेक्टर इसे बनाया गया है फ्रेंड। ये सारे मशीन को यहाँ पे चेकिंग के लिए लगाया। हर कमरे में मल्टीपल CCTV कैमरे की व्यवस्था, हर कमरे में आवश्यकता के अनुसार CCTV कैमरा भी लगाया गया है। ठीक है, इसमें देखते हैं हम लोग कि अत्याधुनिक परीक्षा हॉल, ये देखिए परीक्षा हॉल दिखाया जा रहा है कि एक साथ 300 × 44 मतलब 13,200 परीक्षार्थी एक हॉल में हो सकता है। एक हॉल में बच्चे 1300 बच्चे परीक्षा दे सकते हैं एक हॉल में, तो यहाँ पे तो 44 हॉल है फ्रेंड, सोचिए कितने बच्चे परीक्षा देंगे। लिफ्ट की सुविधा यहाँ देख सकते हैं आप लोगों को, लिफ्ट दिखाया जा रहा है तथा तो दिव्यांग परीक्षार्थी के लिए विशेष व्यवस्था। जो भी परीक्षार्थी दिव्यांग होंगे उनके लिए व्हील चेयर और अन्य सभी तरह की व्यवस्था की
देख रेख की गई है, ठीक है। व्हील चेयर के साथ असिस्टेंट और द्वारा मुख्य द्वार में परीक्षा हॉल में लाने की व्यवस्था, बहुत सारी व्यवस्था है फ्रेंड्स। इस परिसर को पूरी तरह से परीक्षा के ध्यान में रखते हुए तथा परीक्षा व्यवस्था के माध्यम से जो भी आवश्यकता पड़ सकती है उन सबको मद्देनज़र में रखते हुए यह हॉल बनाया गया है, जो कि बहुत ही अत्याधुनिक है और ये बिहार के लिए एक बहुत ही सुनहरा एक तरह से वरदान के रूप में साबित होगा। क्योंकि आप लोगों को पता है एक एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए कितने दिनों, एक ही एग्ज़ाम के लिए चार चार शिफ्ट बनाने पड़ते हैं। अगर इस जब बापू परीक्षा केंद्र बन जाने के कारण अब परीक्षाएं एक ही दिन सारे विद्यार्थियों का हो सकेंगे, बिहार सरकार का खर्च भी बचेगा और बच्चों का भी टेंशन कम होगा, ये सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा फ्रेंड। सो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी पता चले बापू परीक्षा परिसर केंद्र के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।